मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। आज का ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है क्लास 12th के बच्चों के लिए, जिनका के विषय समाजशास्त्र है उनके लिए आज का ये सेशन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अति लघु उत्तरी एक तरीके से कहा जाए प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का, प्रश्न बहुत ही सीधा है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद में जंगलों को नियंत्रित करने के लिए क्या किया, यानी ब्रिटिश सरकार में जो था क्या व्यवस्था की गई थी, ब्रिटिश उपनिवेशवाद में क्या किया गया था जिसके वजह से क्या किया ये लोगों ने इस पर नियंत्रण किया। तो इन पर हम लोग को पूरी तरीके से बातें करनी है यहाँ पर कि कैसे ये इन लोगों ने क्या इसके लिए योजनाएं बनाई थी, इस पर पूरा का पूरा डिस्कशन किया जाएगा आप लोगों के साथ फुल। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस प्रश्न को हम लोग। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है आप लोगों का, ब्रिटिश उपनिवेशवाद में जंगलों को नियंत्रित करने के लिए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद में जंगलों को नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया। ठीक है कि ये प्रश्न हम लोग का बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके उत्तर में जब हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद में क्या किया गया था, भाई जानते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो था वो बिजनेस के दृष्टिकोण से वो भारत में आए हुए थे, लेकिन ब्रिटिश पूंजीवादी के प्रसार के लिए उन्होंने क्या काम किया, ब्रिटिश जो थे अपने पूंजी के प्रसार के लिए उन्होंने जंगलों को भी नहीं छोड़ा, मतलब अंत में उन्होंने जंगलों पर भी अपना जो उनके लिए एक्टिविटी थी जो उनका कार्य था नहीं छोड़ा। उन्होंने पेड़ों की कटाई को, देखिए पेड़ों की कटाई करना प्रारंभ कर दिया और बागानों में चाय की खेती की शुरुआत कर दी। भाई जाहिर सी बातें जानते हैं कि अंग्रेजों को चाय बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए भारतीय बागानों में वो बहुत ही ज्यादा खेती बड़े पैमाने पर कराई। जंगल को नियंत्रित एवं प्रशासनिक करने के लिए अनेक कानून भी बनाए, देखिए जंगलों को नियंत्रित एवं प्रशासनिक तरीके से अपने कंट्रोल में लेने के लिए उन्होंने उसके लिए भी कई तो कानून बनाए ताकि मतलब वो इस पर कंट्रोलिंग कर सके और पूरी तरीके से वो अपने नियंत्रण में ले सके, जिसके कारण जंगल पर आश्रित चरवाहों एवं ग्रामीण लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। भाई जाहिर सी बात है इन लोगों की वजह से क्या हुआ, ये लोग बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित होने लगे। जब ये लोग जगहों को छेक लेते थे, कब्जा कर लेते थे, अपने नियम कानून को चलाते थे, लगाते थे वहां पर जबरदस्ती तरीके से कहा जाए थोपते थे, तो उससे क्या होता था समस्याएं निश्चित तौर पर वो आम जनता को भी या जो भी चरवाहा थे उनको झेलनी पड़ती थी सबके इन सभी चीजों को। ठीक है दोस्तों, तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाएगा आप लोगों का पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा जिसकी वजह से बड़ी दिक्कतों का सामना जो था वो करना पड़ता था। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न हम लोग का लेसन जब समाप्त हो जाता है तो प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। इसके अलावा लेसन और भी बहुत सारे जो मैंने लेक्चर आप लोगों को ऑलरेडी सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज का दे रखा है उनको जाकर एक बार देखिएगा, वे सभी के सभी जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर अब 13वें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए 13वां हम लोग का प्रश्न क्या है, 13वां हम लोग का प्रश्न जो है, ये जो प्रश्न है 13वां हम लोग का वो है आप सभी लोगों का 13वां प्रश्न तो यहाँ पर दिया गया लेकिन आपके सीरीज में ये दूसरा प्रश्न है। औपनिवेशिक काल में समाज सुधारकों ने किस प्रकार महिला शिक्षा पर बल दिया, प्रश्न को ध्यान सुनिए। औपनिवेशिक काल में समाज सुधारकों ने, देखिए किसने, समाज सुधारकों ने किस प्रकार महिला शिक्षा पर बल दिया, ये प्रश्न हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किस काल की बात कर रहा है ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, औपनिवेशिक काल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, औपनिवेशिक काल की बात हो रही है। ठीक है तो जब हम लोग आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर तो इसमें तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर जो बात किया जा रहा है तो प्रश्न में देखिए क्या है आपका, औपनिवेशिक काल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है डिस्टेंस, औपनिवेशिक काल की। तो औपनिवेशिक काल में अगर देखा जाए तो औपनिवेशिक काल में विभिन्न समाज सुधारकों ने महिला शिक्षा से संबंधित मुद्दों को उठाया, जिससे एक समाज सुधारक जो थे ज्योतिबा फूले, देखिए ज्योतिबा फूले जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण समाज सुधारक के रूप में इनका नाम लिया जाता है, आदरणीय जो ये है व्यक्ति समाज सुधारक ज्योतिबा फूले जी। तो ज्योतिबा फूले ने क्या किया, पुणे में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनका कदम था कि इन्होंने महिला के सशक्तिकरण के लिए, महिला की व्यवस्थाओं के लिए, महिला के शिक्षा स्तर में सुधार हो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक महिलाओं के लिए इन्होंने पहला विद्यालय खोला हुआ था, किसने, ज्योतिबा फूले जी ने। ठीक है औपनिवेशिक काल की बात हो रही है। ठीक है सभी समाज जो है सुधारकों ने यह माना कि समाज में उत्थान के लिए महिलाओं का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है, ये बहुत बड़ी बात जोड़ी गई कि भैया ठीक है अगर समाज का अगर आप उत्थान करना चाहते हैं, समाज को बड़े लेवल पर लाना चाहते हैं या समाज को एक वास्तव में शिक्षित व्यक्ति के अधिकार में देना चाहते हैं तो उसमें महिलाओं की शिक्षा सबसे बड़ी भागीदारी होती है।
ठीक है। उसमें भी जानते हैं कि जो सबसे पहले जो प्रारंभिक शिक्षक होती है वो माँ की बात होती है ना, तो वही यहाँ बात हो रहा है यहाँ पर इस तरीके से। तो एक तरीके से देखिए, इसलिए शिक्षा में मुख्य रूप से कुछ बातों को शामिल किया गया था कि महिलाएं जैसे हैं शिक्षित गृहिणी बनेंगी तो वो बच्चों को ध्यान देंगी, इसलिए देखिए विज्ञान की चीजों को शामिल किया गया शिक्षा जगत में ना, ताकि बच्चों को मतलब जितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं उन सभी का नॉलेज जो है वो महिलाओं को अत्यंत रूप से हो, जिससे कि समाज में जो है वो बड़े पैमाने पर सुधार उसका देखा जा सके। देखिए हम लोग का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो जाएगा, जनसांख्यिकी लाभांश से आप क्या समझते हैं, जनसांख्यिकी लाभांश से आप क्या समझते हैं, ये भी प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए डिस्टेंस क्या होता है इसमें, इस प्रश्न में देखिए समझने का थोड़ा सा बस फिर है, इस प्रश्न को ध्यान सुनिएगा। किसी देश की कार्यशील जनसंख्या, देखिए याद रखिएगा कार्यशील जनसंख्या का पराश्रित अनुपात अकार्यशील जनसंख्या से अधिक हो तो उसे जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं। देखिए महत्वपूर्ण बात है, कहने का मतलब क्या है, कार्यशील जनसंख्या का पराश्रित अनुपात अकार्यशील जनसंख्या से अधिक हो, मतलब कोई भी देश है वहां पर कार्यशील जनसंख्या का रेशियो ज्यादा हो। जैसे आ कोई काम है, कोई रोज किसी के पास रोजगार है, किसी के पास रोजगार नहीं, मतलब वो बेरोजगार है, तो रोजगार का जब रेशियो ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू बेरोजगार के, तो बेरोजगार के अकॉर्डिंग रोजगार का रेशियो जब ज्यादा होता है तो उसे ही हम लोग बोलते हैं तरीके से जनसांख्यिकी लाभांश। भाई जाहिर सी बात है कि एक तरीके से देखा जाए तो जनसंख्या का लाभांश मिल रहा है, भाई जनसंख्या है, घर में अगर 15 लोग हैं, 15 लोग अगर 14 लोग पता चला है वो काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जनसांख्यिकी लाभांश मिल रहा है, कार्यशील जनसंख्या है, अब पता चला 15 लोग हैं उसमें से 1-2 लोग केवल काम करने वाले हैं, तो वहां पर कहा जाता है कि चीजें विपरीत हो जा रही हैं। तो जनसंख्या लाभांश का मतलब होता है कार्यशील जनसंख्या का पराश्रित अनुपात अकार्यशील जनसंख्या से अधिक हो, ठीक है। सामान्यतः अगर देखिए इसमें बात करें हम लोग तो जनसंख्या लाभांश जो होता है जनसंख्या में काम न करने वाले पराश्रित लोगों की तुलना में कार्यशील लोगों के अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप प्राप्त होता है। वही बात देखिए मैंने इसका एक्सप्लेन मैंने ऊपर भी आप लोगों को बताया, वही बात देखिए यहाँ पर नीचे लिखा गया है और एक्सप्लेनेशन के साथ। सामान्यतः देखिए क्या किया गया, जनसांख्यिकी लाभांश जो होता है जनसंख्या में काम न करने वाले पराश्रित लोगों की तुलना में जो होता है कार्यशील लोगों के अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप प्राप्त होता है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं जनसांख्यिकी लाभांश। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए समाजशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं आगे हम लोग। लेकिन इससे यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आपके सर पर है, जो भी प्रश्नों का डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जाइए या व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, आप अभी तुरंत नोट करिए एक नंबर, व्हाट्सएप नंबर 950, ध्यान से लिख लीजिए 950, इस नंबर को भूलिएगा नहीं, इस नंबर से व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, आपके नंबर का हमें इंतजार रहेगा, ठीक है। बेसब्री से थोड़ी सुन जाइए, व्हाट्सएप मैसेज करिए इस नंबर से 2 950 690 285, फिर सुन लीजिए 950 690 285, 7 नाम का ये नंबर डिस्क्रिप्शन पर जाइए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और ज्वाइन करिए डीजे सर चैनल का ग्रुप और अपनी तैयारी को एक बेहतर मंजिल दीजिए और वो भी फ्री में। तो डिस्क्रिप्शन से तुरंत जाइए और व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और बस, यदि इस चैनल के हेल्प के रूप में आप कुछ करना चाहते तो हाँ एक काम आपको भी मैं सौंप रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बहुत ही छोटा काम है आप लोगों को सौंप रहा हूँ, बस छोटा सा डिस्क्रिप्शन इस चैनल का लिंक जो अपने क्लासमेट पर शेयर करना है आप लोगों को, ठीक है। क्या करना है, छोटा सा एक काम है इसे जो है अपने क्लासमेट पर आप सभी लोगों को शेयर करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे पर हम लोग, जनसंख्या नीति के क्या उद्देश्य हैं, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जनसंख्या नीति के क्या उद्देश्य हैं। देखिए प्रश्न भी इंपॉर्टेंट एडिशन, तो यहाँ पर उत्तर में जब हम बढ़ते हैं जनसंख्या नीति देखिए क्या है, जनसंख्या नीति का एक प्रमुख उद्देश्य देखिए क्या होता है, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप लोगों में जागरूकता उत्पन्न कर जनसंख्या पर नियंत्रण प्राप्त करना तथा जन स्वास्थ्य के मानक स्तरों में सुधार करना जनसंख्या नीति कहलाता है। जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए जो नीति बनाई जाती है, यानी जनसंख्या पर किस तरीके से कंट्रोलिंग किया जाए, कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हो कि जिस पर जो भी लोग हैं उनको लाभान्वित लोगों को मतलब उसका लाभ मिल सके, तो वो पूरा पूरा जो ओवरऑल पूरा एक्टिविटी होता है पूरा बात होता है जो पूरा उसके लिए प्लानिंग किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या नीति। तो देखिए क्या होता है कि सामाजिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप, यानी ऐसा उद्देश्य जिसमें सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप लोगों में जागरूकता उत्पन्न किया जाता है और जनसंख्या पर नियंत्रण प्राप्त करना, देखिए इसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है जनसंख्या नीति का, तथा जन स्वास्थ्य के मानक स्तरों में सुधार करना। भाई जाहिर सी बात है मानक स्तर में सुधार होगा, शिक्षित होंगे लोग, लोगों के अंदर चीजें जब सुधार की भावना आएगी, जब शिक्षित होंगे समाज शिक्षित होगा तो जाहिर सी बात है कई चीजों के प्रति जो उनका दृष्टिकोण होगा वो भी चेंज होगा, जिससे एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है जो कि सकारात्मक रूप से समाज को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आप लोग का देखिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में एक हो जाएगा। चलिए इसको भी साफ कर लेते हैं हम लोग।
फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है आप लोगों का और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक काम तब तक आप लोग करना जरूर, जब तक दूसरा आप लोग को सेशन ना मिले तब तक इस चैनल का लिंक जो है फैलाते रहिए, और जो भी कंटेंट आप लोग को बेस्ट लगता है उस पर अपना फीडबैक जरूर दिया करिए।